नमस्कार, मैं स्निग्धा त्यागी आप सभी का वैशाली टुडे में स्वागत करती हूं। आज की खबर सही में दिल को छू जाने वाली है। वैशाली जिला के लालगंज थाना अध्यक्ष सीबी शुक्ला ने अपने 12 वर्षीय पुत्र अपूर्व राज का जन्मदिवस दलित बस्ती के बच्चों के बीच मनाया। इस मौके पर थाना अध्यक्ष अपने बेटे और बेटी के साथ दलित बस्ती पहुंचे। दलित बस्ती में पुलिस की गाड़ी को देखकर सभी घबरा गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि थाना अध्यक्ष अपने बेटे का जन्मदिन बस्ती के बच्चों के बीच में मनाएंगे तो सभी के चेहरे पर खुशी की लुटी। अपने बेटे के जन्मदिन को और खास बनाने के लिए थाना अध्यक्ष ने सभी बस्ती के बच्चों को कतारबद्ध तरीके से खड़ा किया और कॉपी, कलम, चॉकलेट और मास्क वितरण किया। थानाध्यक्ष के इस अनोखे अंदाज को देखकर सभी प्रसन्न हो गए। वहीं थानाध्यक्ष ने लोगों से अपील भी की, चाहे जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, सभी मौकों को गरीब असहाय बस्ती के बच्चों के साथ मनाएं, ताकि अभाव में जी रहे इन बस्ती के लोगों के बीच खुशियां बांटी जा सके। कितना साल के हुए आज? 12। ये बर्थडे मना रहे हो, किस तरीके से मना रहे हो, पूरा बात बताओ। गरीब बच्चों में मास्क, चॉकलेट, टॉफी और पेन। अच्छा, ये बांट रहे हो? कॉपी। तो आमतौर पर तो बच्चा केक काटता है, बैलून फोड़ता है, ये सब नहीं करते हो? हैं जी? नहीं। क्यों? पहले करती थी, अब नहीं। अच्छा, अब इसी तरीके से मनाते हो? जी। बच्चों का जन्मदिन जब भी मनाइए, तब जो निडी बच्चे हैं उस बच्चों के साथ जो जरूरत का सामान है आपस में आदान प्रदान करा के और तब मनाइए। केक काट करके और भोजन करा करके हम लोग जो करते हैं, थोड़ा सा उसको ट्रेंड को हम लोगों को बदलना है कि जो जरूरतमंद हैं उनको जितना हो सके उसी तरह से हम लोग मनाएं और इस चीज को आगे बढ़ाएं।